अयोध्या में इस बार की दिवाली खास है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, प्रभु राम ने कहा है कि अयोध्या उन्हें वैकुंठ से भी ज्यादा प्यारी है। और अब जबकि भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां चल रही हैं, तो उस स्थिति में पहली बार ये दिवाली और 11 झांकियां निकाली जा रही हैं। 5.5 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 16 श्रृंगार की तर्ज पर 16 गेट सजाए गए हैं। आज दोपहर को योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम जन्मभूमि में पूजा करेंगे। 11,000 दिए वहां पर जलाए जाएंगे। ये पहली बार होगा कि जब राम जन्मभूमि में दियों की रोशनी से जगमगा उठेगी राम जन्मभूमि। पूरी अयोध्या नगरी सज गई है। अयोध्या के सरजू घाट को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है, चाहे राम की पैड़ी हो या फिर अयोध्या का प्रवेश द्वार। हर जगह लाइटिंग की गई है। सरजू के घाटों को आरती के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कलयुग में कैसे अयोध्या को त्रेता युग की शक्ल देने की कोशिश हुई है। किस तरीके से त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या को सजा दिया गया है। देवलोक कही जाती है अयोध्या नगरी। और 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं, नृत्य चल रहा है। दिवाली से पहले ये झांकी है, और ये झांकी इसलिए क्योंकि इस बार अयोध्या ज़्यादा जोश में है। जोश इसलिए कि इस बार प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है, नींव पड़ गई है। अयोध्या की ये खूबसूरत दिवाली देखिए, मनमोहक, मनभावक और स्वर्ग से भी सुंदर नगरी ये अयोध्या है। हम सरयू के तट पर, राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ की तैयारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिए लगा दिए गए हैं, पंक्तियों में ये दिए लगाए गए हैं। यहाँ पर एक कलाकृति भी बनाई गई है, और शाम को जब ये दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जब ये दिए जलेंगे, तो एक अलग छटा यहाँ की होगी। ये देखिए, बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? दियों के जरिए एक चित्र भी बना रहे हैं। चित्र है श्री राम जी के मंदिर है, जिसपे श्री राम जी धनुष लेके खड़े हैं। धनुष लेकर ये जब शाम को दिया जलेगा, तो ये पूरी तस्वीर दिखेगी पूरी तरह से। एक तरह से मंदिर का ही ऊपर का सिस्टम है, तो पूरी तरह से शो होगा। तो ये देखिए, अलग अलग तरीके से अयोध्या में खूबसूरती, कैसे आप अयोध्या की खूबसूरती को देखेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस काम में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, बच्चे लगे हुए हैं, और वॉलेंटरली बहुत सारे लोग इस काम में जुटे हुए हैं। कई दिनों तक ये लोग काम करते हैं, उसके बाद जाकर यहाँ देखिए ये तैयारी पूरी होती है। सरयू के तट पर खड़े हैं, हाथ में तेल लगा हुआ है आपके, और लगातार दियों में आप तेल डाल रही हैं। तैयारी चल रही है, कब तक हो जाएगी तैयारी? हो जाएगी 3 बजे तक लगभग हो जाएगी। उसके बाद दिया जलाएंगे हम लोग बाती। तो इस बार खुशी है कि राम मंदिर भी बन रहा है? खुशी है। क्या खुशी है? खुशी है राम मंदिर बन रहा है। इतने साल बाद भगवान राम मंदिर हमारे घर, मतलब अपने घर आ रहे हैं, हमारे अयोध्या में आ रहे हैं, ये खुशी है। ये खुशी है, और इस बार तो भव्य। हाँ क्या भाई आप, अरे बाप रे कितना सारा तेल। हाँ क्या कह रहे हैं बताओ? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इतने दिन से काम में लगे हुए हैं इसमें? हम 5 दिन से। 5 दिन से? हाँ हाँ। आप लोग? हम लोग 5 दिन से, सभी के सभी 5 दिन से लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बनने के, यहाँ पे राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में हम लोग बोलते हैं एक बार जय श्री राम। और जोर से एक बार जय श्री राम। तो जय श्री राम के की गूंज यहाँ पर आप सुन रहे हैं। लेकिन ये दिए जो है शाम को जब जलेंगे, तो ये अद्भुत छटा होती है, शानदार दृश्य होता है। और इसको अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, और अयोध्या पहुंच भी गए हैं, तो क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारी बंदिशें हैं, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। बिना पास के किसी को भी यहां पर एंट्री, राम की पैड़ी पर एंट्री नहीं होगी, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देख पाएंगे न्यूज़ नेशन पर, अपने घर बैठ कर आप न्यूज़ नेशन पर एक एक तस्वीर देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन अयोध्या। आज आप अयोध्या की किसी गली, किसी सड़क पर नज़र डाल लीजिए, जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर अयोध्या आपको दिव्य और भव्य नज़र आएगी। आपको अयोध्या की 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या में ड्रोन के जरिए भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भव्य आयोजन की झलक देखने को मिल रही है। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दिए जलेंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर में हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाते हुए पहाड़ अपने हाथों पर रखते हुए कुछ उस अंदाज में दियों को सजा दिया गया है, और सोचिए जब ये दिए रोशन होंगे तो ये नज़ारा कितना भव्य होगा। सबसे भव्य दिवाली की सबसे बड़ी कवरेज आपको लगातार न्यूज़ नेशन पर देखने को मिलेगी। अयोध्या में इस तरीके से साज सजावट की गई है, इस तरीके से अयोध्या की गलियों को साफ सुथरा कर दिया गया है, इस तरह हर कोने को सजा दिया गया है कि वो अयोध्या दिव्य लगे, भव्य लगे। प्रभु राम की झांकियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
तीन तस्वीरों के जरिए बीचों बीच आप तस्वीर देखिए, हर ओर रंगोली बना दी गई है, लेकिन सबसे जो दिव्य नजारा होगा वो दिव्य नजारा होगा सरयू घाट का, क्योंकि एक साथ 5,51,000 दिए वहां पर जगमग करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आंकड़ा अपने आप में दर्ज हो जाएगा। राम की पैड़ी में भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी, राम दरबार भी लगेगा। अयोध्या से इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। तो राम की पैड़ी पर है इस वक्त हम, और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर पहुंचेंगे और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसके बाद एक भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वो मंच हम आपको दिखा देते हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम कैबिनेट मंत्री बैठेंगे। उनके लिए एक भव्य मंच बनाया गया है और इसी मंच के ठीक सामने आपको बता दें कि दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। और साथ ही जो तस्वीरें अब आपको दिखाना चाहते हैं वो ये तस्वीरें हैं। एक अलग से राम दरबार भी बनाया गया है राम की पैड़ी पर, वो राम दरबार जहां पर तीन कुर्सियां लगी हैं राम, सीता और लक्ष्मण के लिए। ये भी देखिए भव्य पांडाल बनाया गया है, भव्य राम दरबार बनाया गया है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे कार्यक्रम में, लोगों को संबोधित करेंगे, और दूसरी तरफ उनके जो राम दरबार बनाया गया है वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता बैठेंगे, इसलिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया है। 14 वर्ष का वनवास काटकर प्रभु राम अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या जगमगा उठी थी। आज उसी तरीके से हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचेंगे प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता, और उसके बाद की तस्वीर आप जो देखेंगे वो हमेशा आपके जहन में बस जाएगी। दिवाली के मौके पर अयोध्या के एक एक मंदिर को सजा दिया गया है। यूपी सरकार ने एक वीडियो जारी कर अयोध्या की भव्यता को कैमरे में कैद कर दिया है। इस तस्वीर को कितनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त। दिवाली की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये दिवाली बहुत खास है क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो राम मंदिर वाली दिवाली है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और अयोध्या को कैसे सजाया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह के 16 गेट लगाए गए, 16 श्रृंगार होते हैं तो 16 गेट लगाए गए हैं जिनके ऊपर देखिए रामचरितमानस के दोहे लिखे गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि देखिए हर गेट पर आपको यहाँ की छटा दिखेगी, यहाँ की तस्वीर दिखेगी, यहाँ के उत्सव की झलक दिखाई देगी। हम आपको अंदर तक लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे अयोध्या में इस बार तैयारी हो रही है। और तैयारी जो है वो आज क्योंकि 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे तो देखिए इस तरह के पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे यहाँ पर शिलान्यास के दौरान उनकी भी तस्वीर है और किस तरीके से राम की पैड़ी को सजाया जाता है उसकी झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही परशुराम की तस्वीर आप देखिए। आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रभु श्री राम और सीता की तस्वीर दिखाई देगी। हर गेट को खूबसूरती से सजाया गया है और हर गेट पर दोहा लिखा गया है, जबते प्रभु पदुम निहारे मिटे दुख दोष हमारे, यानी कि जब प्रभु आए तो सारे दुख दोष जो हैं वो मिट गए। ये प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम पहुंचते हैं अयोध्या तो यहाँ पर कैसे उनके स्वागत की तैयारी होती है, कैसे पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है, वही झलक हर बार आपको दिखाई देती है। और इस बार की दिवाली इसलिए बहुत खास है क्योंकि दशकों और कई सौ साल के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए सुन बिन दस कंधर देखा आवा निकट जति के बेशा, और आगे बढ़ेंगे आपको हर द्वार पर इसी तरीके से ये दोहे आपको लिखे हुए नजर आएंगे। तो ये तैयारी है, ये खास तैयारी है दीपोत्सव के लिए। और दीपोत्सव में क्योंकि 5,51,000 दिए जलाए जाने हैं तो उसकी भी तैयारी की गई है, दिए भी बनाए गए हैं, दिए लगाए गए हैं और 3 दिन का जो ये पूरा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का समापन आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी तो सबसे भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ विद्यानाथ झा,
अयोध्या। अयोध्या आज अलग रंग में है। अयोध्या में श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 11 झांकियां शामिल हैं। एक एक झलक, एक एक तस्वीर आप न्यूज़ नेशन के जरिए देखिए। शोभा यात्रा के लिए खास तौर पर 11 झांकियां तैयार की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहली झांकी है वो पुत्रेष्टि यज्ञ की है। चूंकि इन झांकियों के माध्यम से रामायण के अलग अलग प्रसंगों का चित्रण किया जाता है, तो वैसे में 11 जो प्रसंग होंगे इन झांकियों के माध्यम से उन प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। चूंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रसंग है, यानी कि जो पहली झांकी है पुत्रेष्टि यज्ञ की है, जो तमाम कलाकार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि ये पहली झांकी थी, अब जो दूसरी झांकी देख रहे हैं गुरुकुल शिक्षा, यानी कि भगवान राम और लक्ष्मण जब अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो इस झांकी के माध्यम से उनका चित्रण किया जाएगा। कुल मिलाकर 11 झांकियां हैं और इन 11 झांकियों के माध्यम से जो रामायण के अलग अलग प्रसंग होंगे उनको दर्शाया जाएगा। तो अविनाश की इस रिपोर्ट को आपने देखा किस तरीके से झांकियां वहां पर सजाई गई हैं। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।